बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशंस का चैप्टर स्टडी कर रहे थे। आज हम देखेंगे स्पेशली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है तीन किस्म की होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कीप इन माइंड, नंबर पर डिपेंड करती हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें हम देखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, शायद हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यू मीन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एडिटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सॉल्यूट, लाइक मास वगैरह। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास तीन बीकर है, एक जैसे, तीनों के अंदर 1 kg वाटर है, इसके अंदर आप 1 mole यानी 60 grams ऑफ यूरिया ऐड कर दो, इसके अंदर 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज ऐड कर दो, ठीक है जी, और इसके अंदर 342 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड कर दो। आपको पता है कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाती है। ठीक है जी, इसके अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूरिया में होगा, ग्लूकोज में होगा या फिर शुगर में होगा? तमाम बीकर एक जैसे हैं, तमाम के अंदर 1 kg वाटर है, तमाम के अंदर, इसके अंदर 60 ग्राम यूरिया है, इसके अंदर 180 ग्राम ग्लूकोज है, इसके अंदर 342 ग्राम शुगर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूरिया में होगा, ग्लूकोज में होगा या शुगर में होगा? यकीनन हमारा दिल कह रहा है कि शुगर चूँकि ज़्यादा डाली है इसलिए इसमें शायद सबसे ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। ये आपको पता है, ये 1 molar सॉल्यूशन है इसका, 1 molar, और ये भी इसका 1 molar सॉल्यूशन है, और ये भी इसका 1 molar सॉल्यूशन है। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि तमाम के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सेम है। आपने सॉल्यूट कितने मोल डाला है? 1 mole डाला है Na, इसमें भी 1 mole ही है, इसमें भी 1 mole ही है। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूट पार्टिकल हर केस में ये है 6.02 × 10^23, ये तो सेम हो गए। तो अब अगर आप देखें, वाटर 1 liter जो है वो 1 dm³ है, 1 dm³ इज इक्वल टू है 1000 ml, 1000 ml, 1 ml अगर 1 gram के इक्वल हो तो 1000 ml विल बी इक्वल टू 1000 gram। तो हर एक के अंदर आपने 1000 gram, अगर आप 1000 gram को वाटर के मोलर मास से डिवाइड करें तो हर दफ़ा आपके पास 55.5 mole आएंगे वाटर के, 55.5 moles। आप अगर देखो तो ये बच्चों देखें, इसमें पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये मोल्स हैं। ठीक है, इक्वल आ रहे हैं ये, तो देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट
and solvent. Solute, solvent, solute, solvent, all are equal. So lowering of vapor pressure will be the same in all the three cases. हालांकि हमें ज़ाहरी तौर पर लग रहा था ग्लूकोज की मकदार कम है, लेकिन याद रखिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज नंबर पर डिपेंड करती हैं. इसलिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तमाम के अंदर सेम होगा, इक्वल होगा, यानी कि सब में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक जैसा होगा. अब किन कंडीशंस में, हम कंडीशंस बताते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए. याद रखें सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट. सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट, माइन्यूटली, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए. और सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल. ठीक है, इसको नॉन वोलाटाइल नहीं होना चाहिए कि ये सॉल्वेंट के साथ ही ऊपर उठना शुरू हो जाए. सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा हो कि इसमें सॉल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी उसमें आयंस बन के फ्लो ऑफ करंट वगैरह का चक्कर ना हो या आयंस ना बना रहा हो. ये तीन कंडीशंस जो हैं दैट आर असेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अभी हम ये तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, इनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, किस तरह के इनके अंदर ग्राफ बनते हैं और किस तरह हम इनको स्टडी कर सकते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. यानी लिक्विड के अपने ही वेपर्स जो उस पर प्रेशर डालते हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. अब होता ये है, हम टॉपिक कर रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जब एक आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, आप इसमें देखें जी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वेपर्स उठ रहे हैं, हमारे पास ये फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है दोनों के अंदर. अब आप देखो यहाँ से 8 वेपर्स उठ रहे हैं, लेकिन जब ये प्योर सॉल्वेंट है, जब मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो ये सॉल्यूशन बन जाता है. अब सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को वेपराइज नहीं होने देते. अब के बार देखो 1, 2, 3, 4, 5 वेपर्स उठ रहे हैं, क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं. एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर. यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू है एक्स ऑफ टू. ठीक है जी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमें ये पता है. अब हम देखते हैं डेल्टा पी ओवर P नॉट इज इक्वल टू है x ऑफ 2. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो सॉल्यूट की, आपको पता है x2 का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. एज वी नो सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इज वेरी वेरी डाइल्यूट. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिनोमिनेटर से ये वाला फैक्टर कम कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू है, यूं कह लें x2 इज इक्वल टू है, इसको अगर आप निगलेक्ट कर दें क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट है सॉल्यूट की, ऊपर से हम नहीं कर सकते, नीचे से हम, क्योंकि यहाँ एडिशन हो रही है यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, तो हमारे पास x2 बचेगा n2 ओवर n1. डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू है n2 ओवर n1. व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. कैसे निकालते हैं आप देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है जी, ये आपके पास फार्मूला है. अब आप कर सकते हो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू
W2 over M2 into, ये ऊपर लेके जाएं, W1 जो है वो नीचे आ जाएगा, M1 over W1. अब हम M2 को इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, M2 इस तरफ ले जाएं, हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं अगर, तो दिस विल बी W2 over W1 into M1, और ये वाला फैक्टर इधर आके हो जाएगा डेल्टा P जो है, P नॉट ओवर डेल्टा P. ये सारे फैक्टर मालूम करके अगर हम पुट करें तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बता सकते हैं. व्हाट इज द एप्लीकेशन? इसका मतलब ये हुआ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड. ठीक है, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बता सकते हैं. तो इट मीन कि हम फिर लिटरेचर से मॉलिक्यूलर मास मैच करके हम बता सकते हैं कि कौन से सॉल्यूट का हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया था जिसके लिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ था. ठीक है जी, तो ये आपके पास मुख्तलिफ, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है. ठीक है, पी नॉट स्टैंडर्ड प्रेशर है और डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है. तो ये सारे फैक्टर जो हैं आप फाइंड करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बता सकते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की. द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, हमें पता होना चाहिए. अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बेसिकली जब हम, मैंने अभी बताया कि जब हम एक सॉल्यूट ऐड कर देते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाते हैं जिसकी वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है. मैं इसको यूं कहता हूँ, वाटर के अंदर आपने कोई चीज़ ऐड की, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर लोअर हो गया. जब मैंने इसको 100 पे हीट किया ना, 100 पे हीट किया, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 760 टॉर इसका वेपर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन इसका 100 पे आ रहा था 750. कितना आ रहा था? 750 टॉर. मुझे 760 पे जाना है तो मुझे 105.52 पे हीट करना पड़ा इसको, या 1 सेंटीग्रेड ऊपर जाना पड़ा, तब 760 हुआ. तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, यानी थोड़ा ऊपर हो जाता है. ठीक है, द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट द ग्रेटर विल बी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा. तो इसका मतलब है जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. अब हम कहते हैं डेल्टा टी ऑफ बी, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू है मोलैलिटी. ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन आप सॉल्यूट की लोगे उतना ज़्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि लोअरिंग वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से हमें ज़्यादा हीट करके बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ता है. डेल्टा टी ऑफ बी इज इक्वल टू है के ऑफ बी डॉट एम. के ऑफ बी क्या है? दिस इज़ कॉल्ड अ बोलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. के ऑफ बी याद रखना है, दिस इज कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या अबलियोस्कोपिक कांस्टेंट. दिस इज रिप्रेजेंटेड एज के बी. हर सॉल्वेंट का अपना ही मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है. ठीक है, कहते अगर आप मोलैरिटी वन ले लें, मोलैलिटी वन मोल ले लें, सॉल्यूशन वन मोलल सॉल्यूशन लें, तो इसका मतलब है एम इज इक्वल टू वन हो जाएगा. तो डेल्टा टी ऑफ बी इज इक्वल टू के ऑफ बी. ठीक है, डेल्टा टी ऑफ बी इज इक्वल टू के ऑफ बी. या फिर आपसे ये पूछ, इसके यूनिट अगर आप देखें, यूनिट क्या है? सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल, यानी किसी सॉल्वेंट के एक किलोग्राम के लिए सेंटीग्रेड पर मोल कितना राइज आता है, तो उसके ये यूनिट होते हैं.
आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज के बी, तो आप यहाँ से निकाल के बता सकते हैं के ऑफ बी, आप इसको इधर ले जाएं, एम को इधर ले जाएं, आप कह सकते हो के ऑफ बी, इधर देखें के ऑफ बी इज इक्वल टू है डेल्टा टी ऑफ बी ओवर एम, व्हाट इज इट? आप कहो के ऑफ बी इज अ रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी, ये भी बात याद रखें, व्हाट इज के ऑफ बी, इट इज अ रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी। होता ये है कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है जी, उसका ये ग्राफ आ रहा है जी, इस तरफ आप टेम्परेचर ले लेते हो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप वेपर प्रेशर ले लो। देखिए बच्चे, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इस ग्राफ के ऊपर अगर आप जाएं तो हल्के 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 बी पे जाके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, आपका प्योर सॉल्वेंट जो था उसने बॉयल करना शुरू कर दिया। लेट से ये वाटर है, इधर देखें ये वाटर है और ये 100 पे बॉयल हो गया, इस सिर्फ टेम्परेचर है ना, मैं एग्जाम्पल सपोज कर रहा हूँ सपोज। अब जब मैंने इसमें, ये प्योर सॉल्वेंट है, अब मैंने इसमें सोल्यूट डाला तो ये सोल्यूशन बन गया। अब इसका वेपर प्रेशर देखो यहाँ से यहाँ लोअर हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वजह से हम ऊपर गए जब, तो बॉइलिंग पॉइंट आगे चला गया। ये देखें जब मैं इधर आगे मिलाता हूँ ऐसे, सपोज मैं कहता हूँ 110 सेंटीग्रेड पे जाके ये बॉयल हुआ है। क्यों भाई? आपने जब सोल्यूट ऐड किया उसकी वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, जिसकी वजह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी ऑफ बी। कैसे निकालते हैं इसको? टी टू माइनस टी वन, ये देखो डेल्टा टी ऑफ बी इज इक्वल टू है टी टू माइनस टी वन, ये है डेल्टा टी ऑफ बी। कहते हैं ये जो डेल्टा टी ऑफ बी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ, डेल्टा टी ऑफ बी इज इक्वल टू है के ऑफ बी डॉट एम, ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? इधर देखो, नंबर वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टू 1 over weight of solvent in 1000 grams, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो molality is equal to है weight of solute over molar mass of solute into 1000, ये ऊपर जाके into 1000 over W1, तो आप molality की value यहाँ put कर दो, डेल्टा टी ऑफ बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू है बलियोस्कोपिक कांस्टेंट के ऑफ बी, एम की वैल्यू W2 ओवर M2, ये मोलैलिटी की वैल्यू ये वाली पुट कर रहा हूँ, इन 2000 ओवर W1, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया जी। अब यहाँ से आप चाहते हैं कि मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड फाइंड किया जाए, देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आपने मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड करना है, आप इसको रिप्लेस कर दो, इधर ले जाओ M2 शुड बी इक्वल टू के ऑफ बी ओवर डेल्टा टी ऑफ बी, ठीक है जी, इनटू W2 ओवर W1 into 1000. This is how you can find the molecular mass of solute by using the expression elevation of boiling point. याद रखिएगा, डेल्टा टी ऑफ बी की वैल्यू वाटर के लिए जो है, अगर आप 1 molar सॉल्यूशन लें, वाटर ने अगर 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल करना था तो अब के बार ये बॉयल करेगा 100.52 सेंटीग्रेड, ये इतना एलिवेशन होगा। ये किसके लिए है? अगर आप 1 mole कोई नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अगर आप 0.1 mole ले लें तो आपको पता होना चाहिए वाटर 100 सेंटीग्रेड की बजाय 100.052 सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा। दिस इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलल और ये 0.1 molar के लिए कम हुआ है। हमने कहा था ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी,
देखिए 10 times ज़्यादा है, ये 10 times कम है. क्यों? ये 1 molar है, ये 0.1 molar है. ये बातें आपको पता होनी चाहिए. एक ख़ास सॉल्वेंट के लिए KB की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है. कोई भी आप उसके अंदर चाहे सोल्यूट डाल दें, ठीक है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट. एक सॉल्वेंट के लिए KB की वैल्यू या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है. आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ KB, तो आप कह सकते हैं इट्स रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू मोलालिटी. ओके जी, हमारा तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का सेशन है, जिसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस कोएग्जिस्ट, ठीक है, कोएग्जिस्ट हैविंग सेम वेपर प्रेशर. इनका वेपर प्रेशर सेम होता है. मतलब आइस और वाटर 0 centigrade पे कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं. एक ही सब्सटेंस की 2 phases हैं, लिक्विड एंड सॉलिड, आइस एंड वाटर एट 0 centigrade. तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट, ठीक है, डिक्रीजेस इट्स वेपर प्रेशर, दस इट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है भाई, जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर कम होता है, एज रिजल्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है. ठीक है, रीजन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है भी, वेपर प्रेशर अगर प्योर सॉल्वेंट से कम हो गया, तो इसका मतलब आपको सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए ज़्यादा यू कह लें कि इसका वेपर प्रेशर कम होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है. ये देखिए, डेल्टा टी ऑफ एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऑफ 2 - T(1). यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. ठीक है, ये कहा जाता है. क्या मतलब कि जितना ज़्यादा आप मोलैलिटी लेंगे, उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. जितनी कम मोलैलिटी लेंगे, उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा. डेल्टा टी ऑफ एफ इज इक्वल टू के ऑफ एफ, ये है आपका मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. क्या है ये? मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. इसको हम कहते हैं के ऑफ एफ. के ऑफ एफ कहते हैं अगर मोलैलिटी 1 हो तो टी ऑफ एफ इज इक्वल टू है के ऑफ एफ. ये अगर चीज़ आप 1 पुट कर दें, अगर मोलैलिटी 1 हो तो डेल्टा टी ऑफ एफ इज इक्वल टू है के ऑफ एफ. के ऑफ एफ के आपने यूनिट याद रखने हैं, सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल इसकी डायमेंशन है. तो फ्रीजिंग, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज कॉल्ड के ऑफ एफ, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर आप देखो तो डेल्टा टी ऑफ एफ इज इक्वल टू है के ऑफ एफ डॉट एम. एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मोलैलिटी डब्ल्यू टू ओवर एम टू इन टू वन ओवर डब्ल्यू वन ओवर 1000. तो हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा टी ऑफ एफ इज इक्वल टू है के ऑफ एफ इन टू डब्ल्यू टू ओवर एम टू इन टू डब्ल्यू वन ओवर, इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो 1000 ओवर डब्ल्यू वन आएगा. ठीक हो गया, तो अब आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है आमतौर पे, तो आप निकाल सकते हैं एम टू इज इक्वल टू है के ऑफ एफ ओवर डेल्टा टी ऑफ एफ इंटू डब्ल्यू टू ओवर डब्ल्यू वन इंटू 1000. आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, के ऑफ एफ आपको पता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, डेल्टा टी ऑफ एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डब्ल्यू टू वेट ऑफ सॉल्यूट है, डब्ल्यू वन वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इनटू 1000 एक फैक्टर है जो हम मोलैलिटी में इस्तेमाल करते हैं. अब ज़रा देखें, होता ये है कि
इस पॉइंट पे अगर आप देखो ए बी एक कर्व है फ्रोजन सॉल्वेंट का है, बी टू सी जो कर्व है ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, ठीक है जी। यहाँ पे आके सॉल्वेंट जो लिक्विड था वो फ्रीज हो जाता है और ये फ्रोजन कर्व है। अगर हम देखें इसको हम डी और एफ कह देते हैं, ये एफ पॉइंट पे सॉल्यूशन का कर्व जिसका के वेपर प्रेशर कम था बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट, इसका आप देखें वेपर प्रेशर थोड़ा कम आ रहा है, ये आके एफ पॉइंट पे इस पे टच कर रहा है, इसका मतलब एफ पॉइंट पे आके सॉल्यूशन भी फ्रीज हो गया। भाई देखो सॉल्वेंट यहाँ पे फ्रीज हुआ, उस वक्त टेम्परेचर टी टू था, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ इस वक्त टेम्परेचर था 0 सेंटीग्रेड और जब सॉल्यूशन जाके फ्रोजन हुआ तो उस वक्त टेम्परेचर था -1 सेंटीग्रेड। तो दिस इज कॉल्ड टी ऑफ टू माइनस टी ऑफ वन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी ऑफ एफ। ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड फाइंड कर सकते हैं। याद रखें इसके लिए हमें बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना पड़ता है और आपको पता है फ्रीजिंग मिक्सचर में NaCl और KNO3 वगैरह आइसक्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मकसद होता है, ये जो सर्दियों में आइस जो होती है, ये सर्दियों में स्नोफॉल होती है रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, उसमें भी NaCl थोड़ा ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों होता है भी, बेसिकली जब आप सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये देखना लेट से ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ठीक है, तो जब आप उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे मतलब NaCl के पार्टिकल ऐड करेंगे तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो वीक पड़ जाएगी। जब सॉल्यूट के पार्टिकल आते हैं, ठीक है, आइस के अंदर, तो NaCl वगैरह इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से आइस जो है जल्दी मेल्ट कर जाती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रीजिंग मिक्सचर में KNO3 और NaCl वगैरह इस्तेमाल किया जाता है और बाकी आपको पता है कि ड्राई आइस जो है ये आइसक्रीम वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं -80 सेंटीग्रेड पे, CO2 जो होता है -80 सेंटीग्रेड पे, इसको क्या बोलते हैं ड्राई आइस, ये भी एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा क्या यूजेस हो सकते हैं हमारे इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो हमने पढ़ी हैं वेरियस थिंग्स। अगर आप देखें एथिलीन ग्लाइकोल का रोल, आप देखो दिस इज कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये इसको कूलेंट भी कहते हैं, ठीक है। इस ये आप गाड़ी के रेडिएटर में इस्तेमाल करें तो गर्मियों में या सख्त गर्मी के मौसम में समर में ये बॉयल नहीं होने देता, वाटर को बॉयल ओवर होने से बचाता है, जबकि इन विंटर यानी बहुत ठंडे एरिया में फ्रीज नहीं होने देता रेडिएटर के वाटर को, ठीक है, फ्रीज नहीं होने देता। मतलब क्या है भाई, देखें अगर लिक्विड की रेंज 0 सेंटीग्रेड से 100 तक है वाटर की, तो ये एलिवेशन कर देता है बॉइलिंग पॉइंट में और डिप्रेशन कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट में। यही लिक्विड जो 100 सेंटीग्रेड पे रिवॉल्व कर रहा था, अब वो हो सकता है 150 सेंटीग्रेड की रेंज में चला जाए डाउन और अपवर्ड, यानी लिक्विड की लिक्विड रेंज को एथिलीन ग्लाइकोल एनहांस कर देता है। इसके अलावा आइसक्रीम मिक्सचर में आप इस्तेमाल करवाते हो जनाब साल्ट, और रोड्स के ऊपर जो स्नो वगैरह होती है उसको अर्ली मेल्ट करवाने के लिए NaCl वगैरह की एडिशन करवाई जाती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कुछ MCQs देखते हैं। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी इफ द सॉल्यूशन इज, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोलैलिटी कब, इफ द सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड, सेचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या फिर वेरी डाइल्यूट। सोल्यूशन डाइल्यूट हो तो तब, ये ना हो आप 10 मोलर सोल्यूशन बना के गए जी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऐसा नहीं होता। इस केस में मोलैलिटी बहुत कम और डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम इन सोल्यूशन। 2 मोलर H2SO4, 1 मोलर H2SO4, 1.5 मोलर H2SO4, 2.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, इन सब के सोल्यूशन बनाए तो किस में रिलेटिव लोअरिंग सबसे ज़्यादा होगा। भी देखें, हमने अभी कहा डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो सबसे ज़्यादा मोलैलिटी आपको पता है किस में है, डी ऑप्शन में है, 2.5 मोलर H2SO4। वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर इज, आप थोड़ा सा शुगर डाल दें वाटर में तो शुगर सोल्यूशन बन जाएगा, इक्वल टू वाटर होगा, लेस देन वाटर होगा, मोर देन वाटर होगा, या इसमें से कोई भी नहीं होगा। भाई एडिशन आपने शुगर एज ए सोल्यूट ऐड किया है तो लोअरिंग ऑफ वेपर होगा, लेस देन वाटर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। When NaCl is dissolved in water, तो क्या होगा, वाटर का मेल्ट क्या होने जा रहा है जी, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा वाटर का, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। बेसिकली याद रखिएगा ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने बताना था कि ये देखो आपके पास बेटा सॉलिड हो और लिक्विड हो तो बेसिकली सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को। फ्रीजिंग और मेल्टिंग के ऊपर सेम वेपर प्रेशर होता है, कोएग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे होते हैं। बेसिकली बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं क्या, एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, नहीं तो भाई मेल्टिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये पहले वाला ऑप्शन है, इसको ज़रा गौर से कीजिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ए ऑप्शन होगा, ठीक हो गया। जबकि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होता, ये बढ़ता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होता बल्कि ये एलिवेशन होता है इसका, जब आप कोई सोल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर। An aqueous solution of glucose boils at 100.52 centigrade. The solution contains 180 gram glucose in 1 liter. 180 gram glucose in 1 liter, 18 gram glucose in 1 liter, 180 gram glucose in 1 kilogram water, 3.6. Basically, ये जो बताया गया है ये एक मोलल के लिए बताया गया है, यहाँ पे आप इस पे अगर लगाएंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, 180 इन 1 लीटर नहीं होना चाहिए, 180 यानी 1 मोलल सॉल्यूशन होना चाहिए, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट, ये सी ऑप्शन दुरुस्त होगा। कभी भी लीटर वाला ना कीजिएगा, यू नो के टी ऑफ बी, डेल्टा टी ऑफ बी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, is directly proportional to molality, ठीक है। तो एक मोल के लिए 100.52, और अगर मैं आपको कहूँ कि this is for one molal, अगर मैं कहूँ 0.1 molal तो आपने 10 टाइम इसको कम करना है, ये एलिवेशन को, ये हो जाएगा 100.052 सेंटीग्रेड, ठीक हो गया, ये याद रखना है अपने वाटर के लिए। Chemical used to protect a car by preventing the liquid in radiator from freezing. Phenol, KNO3, methanol या फिर ethylene glycol. तो यकीनन radiator में गाड़ियों के जो liquid इस्तेमाल किया जाता है वो ethylene glycol है, coolant है आपका, जो कि मैंने बताया कि आपकी liquid range जो कि 0 सेंटीग्रेड के 100 सेंटीग्रेड है, इसकी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट करता है और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यही रेंज जो 100 ग्रेड्स पे है उसको 150 तक लेट से लेके जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कर देता है। विच हैज़ लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जिसके जितने ज़्यादा आयंस देगा
वो उतना ज़्यादा डिप्रेशन करेगा फ्रीजिंग पॉइंट में, ये याद रखिएगा। NaCl को अगर आप आयनाइज करो तो ये दो आयन देता है, Na प्लस Cl, यानी टू टाइम आयन्स है, ठीक है। Na पॉजिटिव प्लस Cl है। KCl भी इसी तरह दो आयन देता है, K पॉजिटिव प्लस Cl। यूरिया वैसे ही एक एटम है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल। तो लेकिन कैल्शियम क्लोराइड याद रखें, एक कैल्शियम और दो क्लोरीन, टोटल तीन आयन देगा। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मोलल सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के केस में होगा, जितने नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा। एंड एक्वस सॉल्यूशन boils at 105 centigrade. It should freeze at, यानी molal water के लिए आपसे पूछ रहा है molal freezing point और boiling point की value। एक mole अगर आप non volatile non electrolyte solute का ऐड करो तो elevation तो ये हो रहा है, लेकिन depression कितना होगा ये हमें याद रखना होगा। depression 1.86 centigrade माइनस में, दिस इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जिसे हम कह सकते हैं। विच सल्यूट काजेज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब फिर देखें जिसके आयन ज़्यादा होंगे, इसको आप कंप्लीटली आयोनाइज करो तो K और Cl, ये आपको दो आयन देगा Na और Cl, ये आपको स्ट्रॉन्शियम प्लस टू क्लोराइड आयन, जबकि ये क्रोमियम प्लस थ्री क्लोराइड आयन, तो ये मैक्सिमम डिप्रेशन काज करेगा। ठीक हो गया। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम, यानी मोलल सॉल्यूशन में, ये देखो हमें एक लीटर वाटर या 1000 ग्राम में हमें ये पता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है 100.52 अगर एक मोल आप लेते हैं, वन मोलल सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने 6 ग्राम लिया, यू नो कि 6/60 इज इक्वल टू है 0.1, ये तो 0.1 है, तो इधर आंसर होना चाहिए 100.052 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। भाई वन मोल के लिए, वन मोलल के लिए 100.52 है, तो 0.1 मोलल के लिए 100.052 ऑप्शन दुरुस्त होना चाहिए। ए दिस वन, ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है, 0.5 वाला दिस वन, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड, भाई डिप्रेशन फर्स्ट तो हमें मोलल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का पता होना चाहिए, जब वन मोल आप ग्लूकोज डालें तो ये वाला ऑप्शन आता है वन मोल के लिए, लेकिन यहाँ पे 18 ग्राम ओवर 180 इसका मोलर मास, तो 0.1 बन रहा है ये, भाई ये वन मोलल के लिए है अगर, ठीक है। तो ये वाला फिर ये देखो ये वन पॉइंट इधर हो गया है, तो ये अगर वन मोलल के लिए है तो ये 0.1 मोलल के लिए है, याद रखें आप, तो ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड मोर अराउंड पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, न्यूट्रल आयन, किसके गिर्द ज़्यादा सराउंड करते हैं। मसलन कॉपर सल्फेट है आपके पास, 5 हाइड्रेटेड है, इसमें याद रखें कॉपर पॉजिटिवली चार्ज है, इसका साइज छोटा है, इसको 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो 4, जबकि सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा, ये देखें ए यहाँ पे H2O। अच्छा नेगेटिव आयन के साथ कम वाटर मॉलिक्यूल, जबकि पॉजिटिव का साइज छोटा, चार डेंसिटी ज़्यादा, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड और इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम सॉल्यूशन सेक्शन, आज हमने कॉलिकेटिव प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में बेसिक नॉलेज और उनके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।